सो हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम घूमने जा रहे हैं पारादीप, और आज हम पारादीप में बहुत अच्छे अच्छे जगह घूमने वाले हैं, जो कि सबसे पहला आता है हमारा स्मृति उद्यान पार्क। उसके बाद हम घूमेंगे एक्वेरियम, उसके बाद हम चलेंगे पारादीप फोर्ट, और उसके बाद चलेंगे हम नेहरू बंगला। आज हम ये सारा चीज़ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, और दोस्तों शेयर भी कर देना। चलो हम निकलते हैं अभी पारादीप के लिए। हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब हम भुवनेश्वर से निकले हैं कटक होकर। पारादीप हमारा जो आता है जगत सिंहपुर के साइड में आता है, उसी रूट में हम चलेंगे। और ये जो रोड है ऑयल रिफाइनरी का रोड है, और इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं, और आपको आज वीडियो में पूरे सारे जगह का कवर करके दिखाएँगे कौन कौन सी जगह हम लोग घूमने वाले हैं। तो मैंने सब वीडियो में सबसे पहले कह दिया हूँ कि कौन सा जगह हम लोग घूमेंगे। तो अभी फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और पारादीप में पहुँच चुके हैं। पारादीप पहुँचने के बाद अब चलते हैं हम यहाँ पे। सुबह हम यहाँ पे आ चुके हैं स्मृति उद्यान पार्क में। तो ये पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है पारादीप में। आप कभी आते हो तो आपको आना पड़ेगा इफिको साइड, इफिको से सीधा पारादीप पोर्ट के साइड आना पड़ेगा। वहाँ राइट साइड से एक रास्ता जाता है, वहाँ पे आने के बाद आपको नहीं पता होता है तो आप जीपीएस से माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हो। तो हमने आके स्मृति उद्यान के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर कोई टिकट वगैरह नहीं लगता, एकदम फ्री है। आप सुबह आ सकते हो, शाम आ सकते हो, कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। शाम को 8 बजे तक ये खुला रहता है। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर घूम के देख लेते हैं और आपको भी साथ में दिखा देते हैं किस तरह के नज़ारा है इस पार्क का। सबसे पहले एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का फूल बगीचा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पत्थर में मूर्तियाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे से बढ़ने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे पार्क के अंदर पूरा बढ़िया अच्छे अच्छे फूल लगा हुआ है सजा के। मैदान है, आप मैदान में खेल सकते हो आराम से। और ये फूल तो बहुत अच्छा गजब का लग रहा है, ये फूल ये देख सकते हो आप। चलो और थोड़ा घूमते हैं, और थोड़ा घूम के चलते हैं आगे। अभी दोस्तों हम यहाँ पे दूसरे जगह पे आ चुके हैं, जहाँ पे देखिए ये पूरा पत्थर में मूर्तियाँ बनाया हुआ है। यहाँ पे एक पत्थर को खोद खोद कर बनाए गए हैं। अब उसके बाद ये जो बगीचा है एकदम सुंदर लगता है। आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आओगे तो आपको मन नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए जब तक ये पार्क बंद नहीं होता है। यहाँ पे मूर्तियाँ है, ये सब पत्थर में बना हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जाने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ से घूमते घूमते हमें शाम हो चुका है। अब दोस्तों शाम होने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, और जैसे हम निकलते हैं दो हाथी हमें वेलकम कर रहे थे। अब दोस्तों हमें निकलने के बाद हमें वही दो हाथी मिलेंगे जिन्होंने बताया होगा कि फिर से आना, विजिट अगेन वहाँ पे लिखा होगा। तो आप लोग फिर से आ सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है। जैसे विजिट अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। शाम हो चुका है, अभी हम चलते हैं दूसरे जगह आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में। वीडियो में बने रहना। अभी इसके बाद जो है हम चलेंगे एक्वेरियम, जहाँ पे मछली वगैरह वेराइटी वेराइटी मछली है। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल लेके जाते हो अंदर तो 30 रुपया लगता है। कैमरा वगैरह लेते हो उसके लिए अलग, फ़ोटो शूटिंग वीडियो शूटिंग के लिए अलग सा पैसा यहाँ पे लगता है। तो हमने ले लिया 30 रुपये वाला टिकट मैरीन एक्वेरियम। उस अब चलते हैं, इसके अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है इसके जो अंदर वाला है, और यहाँ पे आपको वैरायटी वैरायटी मछली मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। अब यहाँ पे कछुए भी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो सफ़ेद मछली आपको देखने के लिए मिल जाता है।
कितना अच्छा लग रहा है, ये सब पूरा एकदम सफ़ेद और काला दोनों दो कलर का मछली है। अब दोस्तों ये मछली का नाम तो मैं नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मछली को क्या बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मछली मिल जाएगा जिनका नाम तो हमें नहीं पता है यहाँ फिलहाल, अगर आप लोगों को किसी मछली का नाम पता हो तो आप लोग बता सकते हो। ये तो पूरा सफ़ेद वाला मछली है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एकदम सफ़ेद दूध दूध जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे मछलियाँ भी हैं जिनके पंखुड़ियाँ भी है। ये तो ऐसा मछली लग रहा था कि जैसे वो कीड़े जैसा लग रहा था। अब नेहरू बंगला सी बीच में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं नेहरू बंगला सी बीच के पास, अब दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा कैसे, जहाँ से मछली वगैरह मारते हैं यहाँ पे बोटिंग करके मछली मारते हैं। ये सब सीप आपको दिख रहा है छोटा छोटा, वो सब सीप है जो मछली मारने वाले सीप है। अब चलते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं आगे। देखिए यहाँ से देखोगे तो समंदर बिल्कुल पास में, तुम पत्थर के ऊपर जाओ मैं फोटो लूंगा तुम्हारा, चलो और थोड़ा सा ऊपर जाओ, वो जो हाँ और थोड़ा ऊपर जाओ, वो चांद को हाथ दिखाना आगे और थोड़ा, बस हो गया आ जाओ दोस्तों। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए।